आज की वीडियो में कंपैरिजन करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं वन प्लस 10T वर्सेज आईफोन 13 प्रो मैक्स, इन दोनों का कंप्लीट स्पेक्स कंपैरिजन करूंगा। वीडियो कंप्लीट वॉच करें, स्किप ना करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें। तो यहाँ पर देख सकते हैं बोथ आर 5G कैपेबल, बट वन प्लस 10T यहाँ पर आएगा। यहाँ पर अनाउंस नहीं लिखा हुआ, ना ही इसकी अवेलेबल डेट लिखी हुई, बट मैं बता देता हूँ आपको, वन प्लस 10T आएगा जुलाई के एंड में, ठीक है ना, जुलाई 2022, और ये सितंबर 2021 में आया था, ठीक है ना। यहाँ पर देखते हैं, ये देखते हैं पिछले साल का मोबाइल है 13 प्रो मैक्स, ठीक है ना, और 13 प्रो मैक्स का यहाँ पर वेट सब कुछ मेंशन है, और यहाँ पर इन्होंने डायमंड यहाँ पर देख सकते हैं वेट, बिल्ड क्वालिटी, डायमेंशंस कुछ भी मेंशन नहीं किया गया, ठीक है ना। और यहाँ पर डिस्प्ले ही बस ऐसे ही मेंशन कर दिया गया। चलिए डिस्प्ले में बता देता हूँ आपको, 120 हर्ट्ज का मिल जाएगा, 6.7 इंच का मिल जाएगा, 1080p पैनल लगा होगा यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है ना। इसमें भी यहाँ पर वन प्लस 10T में, ठीक है ना, जबकि आईफोन में मिल जाएगी, इसका वेट आईफोन का है, यहाँ पर देख सकते हैं 13 प्रो मैक्स का 240 ग्राम है, ग्लास फ्रंट, ग्लास बैक, स्टेनलेस स्टील फ्रेम, और IP68 रेटिंग के साथ आ रहा है। सुपर रेतना डिस्प्ले, ओलेड पैनल 120 हर्ट्ज का, 1200 निट सेंस के अंदर, 6.7 इंच का डिस्प्ले है, जिसका स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 87.4% एंड स्क्रीन रेजोल्यूशन है इसकी 1284x2778, ये इसका स्क्रीन रेजोल्यूशन है, और जो इसका रेशियो है वो 19:5:9 का है, ठीक है ना, 485 इसका PPI है। और बात कर लें मजीद स्पेसिफिकेशन की, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये एंड्रॉयड मोबाइल है, वो iOS मोबाइल है, तो एंड्रॉयड 12 के साथ आ रहा है 10T, और 13 प्रो मैक्स पिछले साल का, तो एंड्रॉयड 15 के साथ आ रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पर देख सकते हैं स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 प्लस लेटेस्ट स्नैपड्रैगन की चिप, और यहाँ पर दुनिया की फास्टेस्ट चिप अब तक एप्पल A15 बायोनिक चिप, ठीक है, जो 5 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे तैयार करता है, और ये देखें ये 4 नैनोमीटर की है। अब यहाँ पर नंबरों पर मत जाया करें, बट यहाँ पर टेक्निकल तौर पे तो ये फास्ट है, बट परफॉर्मेंस में आईफोन ही की फास्ट होगी, क्योंकि आईफोन की ऑप्टिमाइजेशन बहुत ज़बरदस्त होती है। अच्छा जी, तो यहाँ पर बात कर लें यहाँ पर इसके मेमोरी कार्ड स्लॉट की, आईफोन में वैसे ही नहीं होता, और वन प्लस 10T में भी नहीं है मेमोरी कार्ड स्लॉट, ठीक है ना। और रैम की बात कर लें तो यहाँ पर सबसे पहले 10T की बात कर लें, देखिए 8 GB रैम से लेके 12 GB रैम, 128 GB इंटरनल स्टोरेज से लेके 256 GB इंटरनल स्टोरेज आ रही है, जबकि आईफोन में 6 GB रैम ओनली मौजूद है, 8 GB रैम नहीं है कुछ भी, ठीक है ना। और इसकी स्टोरेज जा रही है, काफ़ी ऑप्शन मिल जाते हैं हमें, स्टोरेज जा रही है यहाँ पर 128 GB से लेके अप टू 1 TB, ठीक है ना। और कैमराज की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं वन प्लस 10T में हमें मिल जाता है 50 MP का मेन सेंसर, 8 MP का अल्ट्रा वाइड, 2 MP का मोनो, तो 4K वीडियो बना लेगा ये, 1080p वीडियो भी बना लेगा, ठीक है ना। और बात कर लें 13 प्रो मैक्स की, तो 13 प्रो मैक्स में 3 सेंसर लगे हों 12 MP के, 12 MP का मेन सेंसर, 12 MP का टेलोफोटो, 12 MP का अल्ट्रा वाइड, ठीक है ना, 4K वीडियो ये बनाएगा, और यहाँ पर 3x ऑप्टिकल जूम वगैरह वगैरह काफ़ी चीज़ें प्रोवाइड कर देगा हमें, ठीक है ना। फ्रंट कैमराज की बात कर लेते हैं, देखिए फ्रंट कैमराज में हमें वन प्लस 10T में 16 MP का मेन सेंसर F2.4 एपर्चर के साथ मिल रहा है, जबकि यहाँ पर 13 प्रो मैक्स में मिल रहा है हमें 12 MP का मेन सेंसर F2.2 एपर्चर के साथ, ठीक है ना। तो यहाँ पर आईफोन 13 प्रो मैक्स का जो फ्रंट कैमरा है ये भी 4K वीडियो बना लेगा, बट वन प्लस 10T का जस्ट 1080p वीडियो बनाएगा फ्रंट कैमरा। स्टीरियो स्पीकर दोनों मोबाइल से मौजूद है, 3.5 mm ऑडियो जैक दोनों मोबाइल में मौजूद ही नहीं है। ब्लूटूथ की बात कर लें तो आईफोन पिछले साल का ये 13 प्रो मैक्स तो 5.0 के साथ आ रहा है, और 10T आ रहा है यहाँ पर 5.2 के साथ, ठीक है ना। और बात कर लें यहाँ पर मजीद, तो यहाँ पर टाइप सी 2.0 आ रही है 10T में, और 13 प्रो मैक्स में आ रही है लाइटनिंग 2.0, और एप्पल की यहाँ पर सिक्योरिटी में वही है, एप्पल की दी ग्रेट फेस रिकग्निशन ID, ठीक है ना, और दूसरी तरफ हमें मिल जाएगा अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, ठीक है ना। और एप्पल की बैटरी यहाँ पर देख सकते हैं 4352 mAh बैटरी है, जिसमें 27 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग मिल रही है, मैक्स से वायरलेस चार्जिंग, QI टेस्ट वायरलेस चार्जिंग, काफ़ी कुछ ऑप्शन है, ठीक है ना। अच्छा, तो यहाँ पर 10T में देख लेते हैं, तो 10T में 4800 mAh का सेल मिल रहा है, 150 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग मिल रही है,
किसी किस्म की वायरलेस रिवर्स चार्जिंग मेंशन नहीं की गई, ठीक है ना। तो ये थी इन ये था इन दोनों मोबाइल्स का कंपैरिजन। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें, मज़ीद अपकमिंग स्मार्टफोन्स की न्यूज़ लेने के लिए, रिव्यूज़ लेने के लिए और इनके कंपैरिजन देखने के लिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।